बैसाखी इज़ अ फेस्टिवल ऑफ प्रॉस्पेरिटी, कलर, ब्राइट कलर्स, हैप्पीनेस, यूनिटी, फैमिलीज कमिंग टुगेदर, कम्युनिकेशन, तो ये सारी चीज़ें. तो मैं एक्चुअली येलो विच आई कैन से कि पीली खीर बनती है, पीले चावल बनते हैं, और आई थिंक मैंने चूज किया एक पीला ड्रेस पहनना. और मैं आज लस्सी बनाऊं. लस्सी और पीले चावल का कॉम्बिनेशन है हम. आज तो मुंह मीठा करके ही जाइए. लुक के बारे में, बैसाखी है, त्यौहार है, घर में सब रौनक आई हुई है, तो मैंने भी सोचा कि मैं अच्छा सा तैयार हो जाऊं. तो ये बहुत अच्छा सुंदर सा सूट दिया है गुलाबी रंग का, और बहुत ज़्यादा मेकअप नहीं किया है, थोड़े से बस झुमके और पहना है हाथ में, और आई थिंक सिंपल रहने में ज़्यादा अच्छा दिखता है. और बस बैसाखी है तो सब साथ में है, और अच्छा खाना पीना और सब साथ में है, वो ज़्यादा इम्पोर्टेंट है. आज बैसाखी का त्यौहार हमने आप सबके साथ मनाया, आप इतने प्यारे प्यारे मेहमान हमारे पास आए, बहुत अच्छा लगा हम सबको. अरे बहुत ही अनएक्सपेक्टेड सा सेलिब्रेशन था, सोचा नहीं था कि शूटिंग करते करते हम शाम को ये करेंगे. कह सकते हैं कि पूरा पंजाब उठ के यहाँ आ गया. मुझे एक सेकंड के लिए ऐसा लगा कि अरे यार मैं पंजाब में हूँ, मैं अपने घर ही हूँ, लग ही नहीं रहा था मैं बॉम्बे में लोगों के बीच में हूँ और सब पंजाबी में बात कर रहे. इतना एक इतना एनर्जी आया एकदम से मेरे अंदर. और ढोल वाले, मतलब ऐसा नॉर्थ में मैं शादियों में देखती हूँ कि ऐसे ढोल वाले पूरा वो ढोल वाला कॉस्ट्यूम पहन के पूरा ऐसे नॉर्थ उठ के आ गया. बड़ा मज़ा आया मुझे यार. मुझे ऐसा लगता है ये 365 डेज कुछ ना कुछ सेलिब्रेशन होते ही रहना चाहिए. बैसाखी का जो त्यौहार है वो बचपन में हुआ करते थे, गाँव के अंदर हुआ करते थे, छोटे कस्बों के अंदर हुआ करते थे, तब मेले लगा करते थे उस टाइम पे. तो बड़ी यादें हैं उस टाइम पे कि मेले के अंदर जाते थे तो खिलौने खरीदते थे माँ बाप के साथ में, माँ बाप की उंगलियाँ पकड़ के नए नए कपड़े पहने होते थे सबने वहाँ पे. बहुत ही खुशी का माहौल होता था एक, क्योंकि फसलें उस टाइम पे कटी होती हैं, फसलों के दाम मिलते हैं इन लोगों को. और वो तो आजकल वो ऐसे मेले वेले तो रहे नहीं है, और होते भी है तो पता नहीं, यहाँ पे तो हमको देखने को नहीं मिलते. तो फिर हमारा यही होता है कि सारे परिवार के साथ मिलके अच्छे अच्छे खाने खाए जाएं, गाने गाए जाएं, नाचें. और तो सीरियल्स में जितना है कि सीरियल्स के जरिए काफ़ी त्यौहारों को मनाया जाता है, तो इन अ वे ये है कि जितनी भी ऑडियंस है उनको एक त्यौहार का पता चलता है कि त्यौहार पर होता क्या है. जो रहने बच्चे हैं उनको पता नहीं है जिनको बैसाखी क्या होती है, इस पर असल में इसकी कहानी क्या है. तो हमारे यहाँ पे भी जितने एपिसोड्स इसके आसपास इर्द गिर्द बनेंगे वो सारे बहुत ही इमोशनल, बहुत ही ज़रा अटैचमेंट वाले एपिसोड्स होंगे सारे ऐसे, तो आप देखिएगा सारे. और तो बड़ा एक रौनकी वाला त्यौहार है, तो बड़ी रौनक वौनक इसमें होनी चाहिए. जैसे आपने देखा ढोल वोल बज रहे थे सब, तो खाना पीना, नाचना गाना, और हम भी सेट पे भी बड़ा हमारा जो माहौल रहता है सेट के ऊपर बड़ा रौनक वाला रहता है. वैसे जैसे बैसाखी का त्यौहार है वैसे हमारा, तो हमारे लिए तो हर रोज़ ही बैसाखी है सेट पे. देखिए बैसाखी मैं अपनी ऑन स्क्रीन फैमिली के साथ ऑफ स्क्रीन भी सेलिब्रेट करने वाली हूँ, और ये बहुत स्पेशल होने वाला है क्योंकि मैं एक गुजराती हूँ और आस्था गुजराती है और पहली बार पंजाबी फैमिली में आई है. तो बहुत प्यार मिल रहा है पूरी फैमिली की तरफ से, फिर चाहे वो बीजी हो, डैडी जी हो, देवर जी हो, या कोई भी हो, मतलब पूरी फैमिली बहुत प्यार दे रही है आस्था को. और बहुत स्पेशल होने वाला है ये बैसाखी क्योंकि मुझे तो पंजाबी फूड, पंजाबी कल्चर, पंजाबी लोग मुझे बहुत पसंद है, दे आर वेरी क्लोज टू माई हार्ट. और मैं डेफिनेटली बहुत इन्जॉय करने वाली हूँ ये सारी चीज़ें क्योंकि बहुत अच्छा खाना आने वाला है सबके घर से, और वो लोग सबसे पहले मुझे ही ऑफर करने वाले हैं क्योंकि मैं इन सब की फेवरेट हूँ. मैं बचपन में बेसिकली मेरे बहुत सारे पंजाबी फ्रेंड्स थे, तो हम मेले में जाते थे अच्छे अच्छे कपड़े पहन के, नए कपड़े पहन के, और उनके साथ मेला घूमते थे, और स्पेशल चीज़ें जो बनती है उस दिन वो खाते थे और बहुत मज़े करते थे. बिल्कुल ऐसा ही कुछ मैं भी बैसाखी मनाता था क्योंकि बचपन में पंजाबियों में यार बहुत नाचने की चुल होती है, और मैं तो डांसर ही था तो मुझे तो मौका चाहिए होता था कि भाई ढोल बज जाए और मैं नाचना शुरू कर दूँ. तो बहुत खुशी होती थी यार जब भी, और अभी ऐसे में पूरी फैमिली आपके रिलेटिव सब साथ में होते हैं और इतनी खप डालते हैं ना मिलके, तो वो चीज़ें अभी मैं ऑफकोर्स मिस कर रहा हूँ अपने बचपन से. और गुरुद्वारे जाने का मौका मिलता है,
और वो एक अलग ही माहौल होता है उस वक्त, आप वो और कभी क्रिएट नहीं कर सकते हो। वो सबके चेहरे पे खुशी होती है इस चीज़ की, क्योंकि फसल जो है वो पहली कटती है और ऑफकोर्स सिखों का न्यू ईयर है, तो बहुत बड़ा खुशी का मौका होता है और उतने ही धूमधाम से मनाया जाता है। और सिर्फ पंजाबीज ही नहीं, उसके अलावा भी लोग जो है वो सब गुरुद्वारे आते हैं और सब मिल के एक साथ इस त्यौहार को मनाते हैं। दरअसल पता है, हम नारायण शो जब से शुरू हुआ है तब से हमने इस तरह का माहौल किया नहीं था, और कहीं ना कहीं ये इस तरह की चीज़ें करना फैमिली को साथ लाता है, और जो व्यूअर्स मुझे देख रहे हैं वो भी घर में ऐसा ही कर सकते हैं, डमशलाज खेल सकते हैं, अच्छा खाना पका सकते हैं, अच्छे गिफ्ट्स दे सकते हैं, उसमें भी प्रैंक कर सकते हैं, और आई थिंक यही सारी चीज़ें मेमोरीज़ बन जाती हैं, और जब भी आप पुरानी मेमोरीज़ की बात करते हैं तो वो रिफ़्रेश हो जाती है, और यही मेमोरीज़ की सबसे ब्यूटीफुल बात है। शो में अभी तक हमने वो शूट नहीं किया है, बट अभी कुछ शादी हो रही है शो में, आई थिंक वो हो जाएगी, उसके बाद हम बैसाखी की तरफ बढ़ेंगे। और हर त्यौहार को उतने ही शोर शराबे से मनाता है, यही खासियत है इस परिवार की, भले ही कितनी प्रॉब्लम्स चल रही हो, कितना दुख हो जीवन में, लेकिन कोई भी इवेंट जो है उसको उतने ही धूमधाम से मनाया जाता है, वहाँ पे सारे गिले शिकवे भूल जाते हैं और एक साथ होते हैं, और ये खासियत होती है फेस्टिवल्स की कि आप यू नो उस टाइम पे वो सारी चीज़ें भूल जाते हो और वापस एक साथ आने का मौका मिलता है। और यही मैसेज हम देना चाहते हैं ऑडियंस को कि इस बैसाखी आप अपने जो पुरानी प्रॉब्लम्स हैं उनको भूल के एक नई शुरुआत कीजिए, और अपनों से कम्युनिकेट करने की कोशिश कीजिए, जब तक आप उनसे अपनी दिल नहीं अगला नहीं करेंगे तब तक बातें क्लियर कैसे होंगी। एब्सोल्युटली बैंग ऑन। मैंने बहुत ज़्यादा मिस किया अपने मॉम डैड को, बड़ी याद आ रही है मुझे उनकी, क्योंकि फेस्टिवल्स पे ऐसा होता ही नहीं था कि हम कहीं लेफ्ट राइट चले जाएं, पूरी फैमिली साथ में आती थी, इनफैक्ट जो एक्सटेंडेड फैमिली होती थी वो भी साथ में आके हमारे साथ सेलिब्रेट करते थे, तो याद आ रही है क्योंकि इसके बाद जाके मैं उनको फ़ोन करके बताऊँगी कि हमने कैसे कैसे इन्जॉय किया और क्या क्या हुआ, बट हम ये सब मोमेंट्स था मुझे एज सच मुझे कोई याद नहीं आ रहा है, लेकिन अभी सब बीजी ने और इन लोगों ने सब ने गाया कि ओ आई बैसाखी, ओए भंगड़ा पालो, ओए और बोलियाँ होती है ना कि महफिल ता सजदी जब नचे कुड़ी की भाभी, ये सारी चीज़ें, तो ये सारी सुन के बहुत अच्छा लगता है क्योंकि पंजाबी जो भाषा है वो इतनी प्यारी है कि प्यार आ जाता है। और हिंदुस्तान की एक सबसे खूबसूरत बात ये है कि आप मारवाड़ी हो, सिंधी हो, या आप मुस्लिम हो, आपको होली दिवाली और सब मनाना ही पड़ेगा। आपके घर में ईद की सेवइयाँ भी आ जाएंगी और बैसाखी के आपके पीले चावल भी आ जाएंगे, तो ये खूबसूरती है हमारे हिंदुस्तान में कि हम जब भी सब साथ में होते हैं हम सब साथ में मनाते हैं। जल्दियाँ गल्ला की पूरी टीम की तरफ से सभी दर्शकों को बैसाखी की शुभकामनाएं, हार्दिक शुभकामनाएं। डिंगड़ा कड़क डिंग डिंगड़ा कड़क।